अरे कोई झगड़ा कोई लफड़ा, अरे कोई झगड़ा कोई लफड़ा कभी नहीं जो करते हैं। अरे क्यों फेंकते हो यार, हैं? कभी तो सही बात करो। ठीक है तो भाई फिर ये सुनो, थोड़ा झगड़ा थोड़ा लफड़ा कभी कभी जो करते हैं। अरे थोड़ा झगड़ा थोड़ा लफड़ा कभी कभी जो करते हैं, थोड़े से कड़वे हैं लेकिन, अरे थोड़े से कड़वे हैं लेकिन खबर सभी की रखते हैं भाई, खबर सभी की रखते हैं। मक्कारों की पोल खोल कर, अरे मक्कारों की पोल खोल कर काम सभी के बनवाना, मक्कारों की पोल खोल कर काम सभी के बनवाना, ऐसे कक्का जी के दर्शन चलो धनादन करते हैं भाई, चलो धनादन करते हैं, चलो धनादन करते हैं भाई, चलो धनादन करते हैं, चलो धनादन करते हैं। अक्षर ज्ञान महादान, आओ पढ़ाएं कुछ कर दिखाएं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार, आ गए आप सब लोग, सामने बैठ गए। तो सुना आपने अभी ये रेडियो क्या कह रहा था? वही कह रहा था जो मैं रोज सबको चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं। सुना आपने अक्षर ज्ञान महादान, कितनी सीधी और सही बात है, लोग समझते भी हैं इस बात को और अक्षर ज्ञान देने को तैयार भी हैं कुछ लोग। पर यहाँ तो हाल ये है कि कई बार ये ज्ञान कोई लेना ही नहीं चाहता। सही कहता हूँ, इसी गांव में अरे ऐसे कई लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, दूसरों को पढ़ाना भी चाहते हैं, पर लोग आते ही नहीं पढ़ने। आते हैं तो ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। इसी गांव में कुछ लोग तो आधा पढ़ भी लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, मतलब आधे अनपढ़ और आधे पढ़े लिखे भी हैं इस गांव में। आओ मिलाऊं आपको एक ऐसे ही नमूने से। अरे अरे ओ मजीरे, अरे मजीरे इधर तो आ, आ इधर आ, इधर आ, राम राम कर, चल बैठ। अरे मुझे नहीं, उधर दर्शकों को राम राम कर। राम राम दर्शकों, मैं हूं मंजीरा। मेरा नाम आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन उसके पीछे। बस बस मंजीरे, तेरे से जितना पूछा जाए उतना ही बोल। अच्छा तो फिर आप ये बताइए कि मेरा नाम मंजीरा क्यों है? अरे वाह, पूछना क्या, वो भी तू ही बताएगा? नहीं आप ही बताइए मेरा नाम मंजीरा क्यों है? क्यों है बता? क्योंकि लोग कहते हैं कि मेरे कान मंजीरे जैसे हैं। अरे हाँ, तेरे कान तो बिल्कुल मंजीरे जैसे लगते हैं रे। हाँ इसीलिए मेरा नाम मंजीरा है। तो मंजीरा तूने कितने मंजीरे बजाए हैं, मेरा मतलब है कितनी पढ़ाई की है? मैंने वैसे पढ़ाई तो की भी है और नहीं भी की। अब ये क्या बात हुई, पढ़ाई की भी है और नहीं भी की? अरे ये कैसा लीडरों जैसा बोलता है। पढ़ना आता है लेकिन लिखना नहीं आता। अपना नाम तक लिखना नहीं आता? नाम लिख लेता हूँ पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ले इस कागज पर अपना नाम लिख। अरे ये तो अंगूठा लगाया है तूने, मैंने तो नाम लिखने को कहा था। क्योंकि मुझे नाम लिखना नहीं आता, मैं सिर्फ अंगूठा ही लगाता हूँ। क्यों क्यों भाई? क्योंकि मुझे ठीक तरह से पढ़ना लिखना तो आता नहीं, इसलिए मैं अंगूठा ही लगाता हूँ, नाम नहीं लिखता। तो एक ही बात हुई, अंगूठा लगाया नाम लिख? नहीं, अंगूठा लगाने का मतलब यह हुआ कि कहीं कोई चूक हो गई
तो कह सकता हूँ कि भी मैं तो अनपढ़ हूँ, जहाँ कहा वहाँ अंगूठा लगा दिया। अरे बेवकूफ, दस्तखत कर या अंगूठा लगा, बात एक ही है। नहीं कक्का जी, अगर मैंने दस्तखत किया तो लोग समझेंगे कि पढ़ा लिखा हूँ, फिर फंस जाऊंगा। हे भगवान, कितनी बार समझाऊं तुझे कि कानून के हिसाब से अंगूठा लगाना या दस्तखत करना एक ही बात है। पर जो भी हो, एक बार कर दिया फिर उसमें जो भी बात है उसके लिए तू ही जिम्मेदार होगा। और अच्छा ये बता कि पढ़ाई अधूरी क्यों छोड़ दी तूने? कक्का जी, मैंने देखा कि पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अरे क्या 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 बोल रहा है? अनपढ़ रहने में ही फायदा है। लोगों को कह तो सकता हूँ कि भाई मुझे कुछ मालूम नहीं, अगर हाँ पढ़ लिख लिया तो जिम्मेदारी सर पर आ जाएगी। वाह मजीरे वाह, क्या बढ़िया तर्क है। पढ़े लिखे होने के नुकसान भी होते हैं, ये तो मैंने आज पहली बार तुझसे सुना। यही बात तो मैं आप जैसों को समझाता रहता हूँ। मजीरे मेरे भाई, ऐसी नादानी मत कर, वरना एक दिन बुरा फंसेगा। तू मेरी बात नहीं मानता तो सुन, एक कहानी सुनाता हूं जिसमें तेरे जैसे ही एक आदमी ने कैसे अंगूठा लगवाकर अपने हाथ कटवा लिए। जरा देख और फिर समझ। ये क्या लिख रहा है? अबे कौन है, कौन है वहाँ? अरे धूमी तू, अरे हाँ। काम हो गया तेरा खेत में? ला, हाँ। ला ला ला, मैं तेरी मदद कर दूँ। ला हाँ, हाँ। ये क्या लिखा तूने, बता तो सही। अरे कुछ नहीं, यूं ही कोई कुछ नहीं लिखता। हाँ पर पहले ये बता, तुझे पढ़ना लिखना आता है? हाँ। तो तूने ये बात कभी बताई नहीं। इसमें बताने वाली कौन सी बात है, तीसरी या शायद चौथी क्लास तक गया था मैं स्कूल, बड़ा मजा आता था। अच्छा ए धूमी, तू गई थी स्कूल बचपन में? नहीं रे, हमारे यहाँ स्कूल कहाँ होता था। सच्ची मैं एक बात बताऊँ, बहुत मजे थे स्कूल में। अरे मास्टर जी बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे। तो फिर छोड़ क्यों दी पढ़ाई? मेरा बाप शहर गया तो साथ मेरी माँ को भी ले गया। फिर मैं इस खेत को और ढोर ढंगर को संभालने के लिए काका के साथ काम पे लग गया, और फिर कभी जरूरत ही नहीं पड़ी पढ़ने लिखने की। ये सब तो ठीक है, पर तूने ये नहीं बताया तूने वहाँ उस दीवार पर लिखा क्या है। कहाँ लिखा है, मिटा तो दिया। अच्छा सुन, नाम से याद आया, ए अपना जब छोरा होगा तो नाम क्या रखेंगे उसका? छोरा ही क्यों, छोरी भी तो हो सकती है। हाँ वो भी है, लेकिन छोरा हो या छोरी नाम क्या रखेंगे? देख, तेरा नाम खेमा है। मेरा नाम धूमी है। हाँ छोरी हुई तो नाम रखेंगे खेमी, और छोरा हुआ तो नाम रखेंगे धूमा। धूमी का छोरा धूमा। और खेमा की छोरी खेमी। खेमा क्या हो गया? कुछ नहीं धूमी, इस बार फिर 2-1 हजार की जरूरत पड़ेगी। बीज लाने हैं, खाद लाना है, दवाई लानी है, बाद में भाड़े पे ट्रैक्टर भी लाना है, और पानी के लिए सरपंच के पंप का भाड़ा भी देना है। 2 हजार तो फिर भी कम पड़ेंगे, बाकी का तो देख लेंगे, लेकिन 2 तो चाहिए ही चाहिए। सेवाराम क्या कहता है? वो कहां मना कर रहा है, पर उसका ब्याज बहुत भारी पड़ जाता है। पर और कोई चारा भी तो नहीं। तुमी, कभी कभी मैं सोचता हूँ, इस खेत के लिए हम उधारी करते हैं और खेत का उगा उधारी में लगा देते हैं, तो फिर हम ये मजदूरी किसके लिए कर रहे हैं? 2 टेम के रोटी जो निकलती है इससे। पर वो भी तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो फिर एक काम क्यों नहीं करता, बैंक से पैसे क्यों नहीं लेता?
बैंक में मैं नहीं जाता। अरे वो तो शहर के पढ़े लिखे बड़े लोग हैं, कितने कागजात, कितने सारे दस्तखत। ना बाबा ना, और वो कोई अपने सगे संबंधी थोड़ी लगते हैं जो मुफ्त में पैसे दे देंगे। जरूर उस कागजात में कुछ ना कुछ लिखवा लेते होंगे। वो जो भी हो, कहीं से भी हो, आखिर पैसे तो लाने पड़ेंगे। ले अब रोटी खा ले। मतलब मैं ठीक वक्त पर आया हूँ क्यों रे खेमा? ओहो, अमर सिंह आओ आओ आओ, बैठो इधर। खेमा कैसा है तू? तेरा, तेरी औरत का और तेरी खेती का हाल चाल पूछने ही आया था। मैं और मेरी औरत तो ठीक हैं, पर खेती के बारे में ना पूछो तो ही अच्छा है बाबा। अच्छा अच्छा समझ गया मैं, इस बार फिर से पैसों की जरूरत पड़ी है, पर तेरी तो सेवाराम के साथ अच्छी बनती है। लेकिन इस बार सोच रहा हूँ सेवाराम से पैसे नहीं लूं, उसका न जाने कैसा हिसाब है, कभी खत्म ही नहीं होता। तो फिर पैसा कहां से लाएगा अगली फसल के लिए? ये धूमी कह रही थी बैंक से पैसे मिलते हैं, वो अरे क्या कहते हैं उसे, हाँ लोन। पर बैंक लोन देती है? हाँ वो तो देती है, पर तुम लोग कहाँ बैंक पर विश्वास करते हो? क्या तुम कहीं और से दिलवा सकते हो? क्यों नहीं, दिलवा देता हूँ, पर उसके लिए मुझे करना क्या होगा? कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ अंगूठा लगाना होगा। तो फिर दिलवा दो ना। चल फिर कल ही, एक कंपनी में मेरी पहचान है, उससे बात करता हूँ। अच्छा चलता हूँ। राम राम। अरे कहाँ चले अमर सिंह, अरे रोटी तो खा के जाओ। नहीं रे, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो यूं ही निकला था, पर अब तूने काम पर जो लगा दिया, तू तो ऐश कर बैठे बैठे, दौड़ना तो मुझे ही है अब तेरे पैसों के लिए। चल तो शहर से पता करके फिर मिलता हूँ तुझे। अरे वो अमर सिंह था, क्यों चला गया? धूमी ये बड़ा भला आदमी है, तू कहती थी ना कहीं और से पैसे लेने की, वही करने गया है। मतलब इस बार की फसल का इंतजाम तो हो जाएगा बिना सेवाराम का आसरा लिए। हाँ लगता तो ऐसा ही है। चल चल अब रोटी खा लेते हैं। हाँ चल, बड़ी भूख लगी है। आओ अमर सिंह, तुमने खेमा को यहाँ लाकर उसका भला किया है। नहीं साहब, ये तो मेरा फर्ज है। अमर सिंह, ये बेचारे अनपढ़ और गरीब लोगों का वो साहूकार बनिए कितना शोषण करते हैं, वो क्या इन्हें मालूम नहीं? क्यों खेमा, ठीक कहा ना मैंने? हाँ साहब, वो सेठ तो कहीं पर भी अंगूठा लगवा देता है, पैसे तो वो देता है, पर फिर उसकी उधारी खत्म ही नहीं होती। लेकिन वो सिलसिला अब खत्म ही कर दो, जब चाहे यहाँ आ जाओ, पैसे ले जाओ, कोई तकलीफ है तो हमें बताओ या अमर सिंह से बात करो। बात यह है कि साहब, खेमा को अगली फसल के लिए 2-1 हजार तक की जरूरत है, तो क्या उसे मिल सकते हैं इतने रुपये? क्यों नहीं मिलेंगे भाई, मिल जाएंगे। लेकिन साहब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ अंगूठा लगाना है। मैंने कहा था ना, तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ अंगूठा लगाना है। लेकिन बाद में सरकार हमारे बैल या हमारी फसल तो उठा के नहीं ले जाएगी वो सेठ की तरह? अरे ऐसा है तो सारे कागजात पढ़ लेना ठीक से, तुम्हें कहीं भी कुछ भी ऐसा लगे तो मत लेना पैसा। तुम भी बेकार में डर रहे हो, जाओ तुम्हारे कागजात अमर सिंह तैयार करवा देगा, तुम आराम से अपनी खेती संभालो, बाकी का काम हम पर छोड़ दो। ठीक है साहब, ठीक है, बहुत बहुत आभार। अच्छा तो फिर चलते हैं। राम राम। राम राम। नमस्ते नमस्ते साहब। क्या बात है सेवाराम, बड़े दिनों के बाद दर्शन हो रहे हैं आपके। अब क्या करें साहब, हमारा तो नाम ही सेवाराम है, जीवन में दो ही तो काम है, आपकी सेवा करना और राम नाम जपना। राम राम, ऐसे दिन भी देखने पड़ रहे हैं साहब। क्या हो गया सेवाराम, धंधे में नुकसान आया? लोगों की नियत में ही खोट है। कौन से लोगों की बात कर रहे हो?
अरे अभी अभी वो गया, क्या नाम है उसका, राम भला करे। कौन, खेमा? हाँ खेमा। अब बोलो, खेमा भी आप तक पहुँच जाएगा तो सेवाराम के धंधे का तो हो जाएगा राम नाम सत्य। ओहो, समझ में आया, समझ में आया। लेकिन सेवाराम जी, आप तो ऐसा कहकर हमारे धंधे का राम नाम सत्य कर रहे हो। अब वो कैसे भला? सेवाराम, अब आपसे क्या छिपाना, इस कंपनी के पगार से घर मुश्किल से चलता है, शहर में छोरे को पढ़ाने का खर्चा कहाँ से निकालूं? कितनी महंगी है कॉलेज की पढ़ाई मालूम है? पढ़ाई महंगी है या छोरे के शौक? अब जो चाहे कह लो, पर पैसों की जरूरत तो हमें भी बहुत है। मतलब हम तो हमारे पैसे से साहूकारी करते हैं, आप तो आप कौन से अपने पैसों से चला रहे हो अपना धंधा? हिसाब किताब मत खुलवाओ सेवाराम, जहाँ चाहे अंगूठा लगाकर। अब छोड़िए सरकार, आप तो ये बताइए कि इतनी बड़ी कंपनी के अफसर होकर ये चक्कर क्या चला लेते हो? भाई, जो तुम चलाते हो, ये अनपढ़ डरपोक अगर तुम्हें कहीं भी अंगूठा दे सकते हैं तो हमें क्यों नहीं देंगे? 1000 पर अंगूठा लगवाओ, आधे दो, आधे जेब में रख लो साहब, जेब में, छोरे की पढ़ाई के लिए। वाह सरकार वाह। पर सरकार, आप तो हमारा कारोबार चौपट कर दोगे। कैसे सेवाराम, ऊपर से तुम्हें जरूरत पड़े तो हमसे ले जाया करो। पर आपके छोरे की पढ़ाई? छोरे को नहीं भेजेंगे, और क्या, मेरा कारोबार आपके छोरे की पढ़ाई से थोड़ी ही ज्यादा है। अरे छोरे का तो बहाना है सेवाराम, कुछ समझा करो। राम जी राम, समझ गया समझ गया साहब, मतलब मुझे कोई खतरा नहीं। और सुनाओ सेवाराम। बस आपकी सेवा में हाजिर हूँ सरकार, अपने तो दो ही काम हैं, आपकी सेवा करना और राम राम जपना। चलता हूँ सरकार, राम राम। राम राम शिव। यहाँ, यहाँ और यहाँ लगा अंगूठा। अमर सिंह, इसमें तो 2000 की जगह 4000 लिखा है। अरे भाई, हमें इतने सारे पैसे नहीं चाहिए। हाँ पागल है तू, ये तो अर्जी है, इसमें जितने लिखे हैं सारे के सारे थोड़े ही मिल जाएंगे। कंपनी तेरी अर्जी पर विचार करेगी, फिर 1-2 हजार देगी, इसलिए 2 चाहिए तो 4 लिखना पड़ता है। अच्छा ऐसा है, तो ठीक है। ये खेमा ले, तू यहाँ अंगूठा लगा। पर खेमा, मेरी समझ में नहीं आया कि तू पढ़ सकता है तो लिखना क्यों नहीं जानता? आता है, लिखना भी आता है। तो फिर यहाँ दस्तखत क्यों नहीं करता? मरना है क्या अमर सिंह? अरे ये तो कागजात हैं, दस्तखत करके मैं क्यों फंसूं? कल कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो कह तो सकता हूँ, साहब मैं तो अनपढ़ हूँ, जहाँ कहा वहां अंगूठा लगा दिया। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। इस पागल को ये मालूम ही नहीं कि दस्तखत करे या अंगूठा लगाए, बात तो एक ही है, मुझे क्या, फंसेगा तो वो फंसेगा, अंगूठा लगाकर हाथ कटवा रहा है मूरख। अच्छा अच्छा खेमा, हो गया काम। वाह, अब समझ ले, तेरी इस बार की फसल में कोई तकलीफ नहीं आएगी, पैसे लेने चलना पड़ेगा। ठीक है, चलता हूँ, राम राम। खेमा, इस बार हमने सेवाराम से पैसे न लेकर अच्छा ही किया। अरे धूमी, वो भी सोचता होगा खेमा आया क्यों नहीं, पर अब जिंदगी भर उसके पास नहीं जाऊंगा। ठीक कहा तूने। पर साहब, मैंने कंपनी से जो पैसे लिए थे वो तो चुका दिए, अब क्या बाकी निकलता है? तूने सिर्फ आधे चुकाए हैं, आधे बाकी हैं अभी। क्या बात कर रहे हो साहब, हमने तो 2000 का लोन लिया था तो चुका भी दिया। पागल, तेरी कुछ भूल हो रही है, तूने 2 नहीं 4000 लिए थे। सरकार, आप ही ने दिए थे, अपने हाथों से दिए थे 2000। आप भूल रहे हैं शायद, याद कीजिए। देखो, मैं दिन में 10 लोगों से मिलता हूँ, अब इतनी पुरानी बात तो मुझे भी याद नहीं, इसलिए तो कागजात होते हैं ताकि बाद में कोई गलत फहमी ना हो।
इसमें साफ लिखा है कि तुमने 4000 रुपए लिए हैं और हर जगह तुम्हारे अंगूठे का निशान है। बताओ ना उस वक्त अमर सिंह ने जो कहा था। हाँ हाँ सरकार, ये मेरी औरत यहीं पर थी, उसे भी याद है। अरे अमर सिंह ने कहा था 4000 की मांग करोगे तो 2 मिलेंगे, सरकारी काम में ऐसा ही होता है, ऐसा ही कहा था उसने। हाँ हाँ ऐसा ही कहा। कुछ भी कहो खेमा, इस कागज में साफ साफ लिखा है कि तुमने 4000 रुपए लिए हैं और हर जगह तुम्हारे अंगूठे के निशान है, मतलब तुम भी सारी बात ठीक से जानते हो। तुमने उसमें से आधे चुकाए हैं, आधे बाकी हैं। अब जिम्मेवार अफसर होने के नाते मुझे तो तुमसे बाकी के पैसे वसूल करने ही हैं। तुम तो समझ रहे हो ना खेमा मेरी मजबूरी, ये मेरे पैसे होते तो तेरी खातिर भूल जाता, पर ये तो कंपनी का पैसा है, मुझे तो जवाब देना होता है। पर साहब, जो पैसे हमने लिए ही नहीं वो कहाँ से चुकाएं? ऐसा तुम कह रही हो, पर ये कागज कुछ और कह रहा है। गलत है ये कागज, हम नहीं मानते इसे। हाँ अब तुम मानो या न मानो, तुमने इस पर अंगूठा लगाया है। तुम्हारी ही गलती है, तुमने 2 की जगह 4 पढ़ा, फिर भी अंगूठा क्यों लगाया था? मुझे क्या मालूम था, अमर सिंह ने जो बताया मान लिया। पर मेरी समझ में ये नहीं आवे है कि तुम तो पढ़ सकते हो, फिर सारे कागज पढ़े बगैर अंगूठा क्यों लगा दिया? जो भी हो खेमा, बाकी के रुपयों का भुगतान जल्द कर देना, कुछ भी करना पर सरकारी पैसे चुकता कर देना, वरना मैं फिर मजबूर हो जाऊंगा। बोलता था दस्तखत करके फंसना नहीं है, इसीलिए अंगूठा लगा रहा हूँ। इससे तो अच्छा होता कागज 2-4 दिन घर में रखते, अरे मास्टर जी या किसी भले आदमी से पढ़वा ही लेते। धूमी, ए धूमी, अब तो इस चक्कर से निकलने का एक ही रास्ता है, इस उधारी को चुकाने के लिए सेवाराम से उधारी करते हैं। मतलब एक चक्कर से निकलने के लिए दूसरे चक्कर में फंसेंगे। लेकिन धूमी, और कोई चारा ही नहीं है, अंगूठा देकर हाथ जो कटवा लिए हैं। राम राम सेठ जी। ओहो खेमा, तू गलती से तू यहाँ नहीं आ गया कहीं? क्या आप सेवाराम सेठ, आपका ही काम था। बोलो बोलो, सेवाराम का तो काम ही है तुम्हारी सेवा करना और राम राम जपना। सेठ, कुछ थोड़े रुपयों की जरूरत है, 2-2.5 हजार। बस बस, इतने तो अभी दे देता हूँ, सिर्फ यहाँ अंगूठा लगा दे और उठा ले पैसा। अरे ये क्या सेठ जी, ये सब क्या लिखा है इसमें, 2-2.5 हजार देकर पूरी फसल ले लोगे क्या? अच्छा तो तू पढ़ना लिखना जानता है? देख खेमा, बैंक में जाओ या सेवाराम की दुकान पर आओ, दुनिया का कारोबार ऐसे ही चलता है। दुनिया का नहीं सेठ, तेरा कारोबार ऐसे चलता है, पर अब इसे बदलना पड़ेगा सेठ। इस पर न मैं अंगूठा लगाऊंगा न ही दस्तखत करूंगा। ए, ए, क्या कर रहा है? पैसे नहीं चाहिए तो कहां से चुकाएगा कंपनी का लोन? कुछ भी करूंगा, पर जो भी करूंगा अब सोच समझ कर करूंगा, चलता हूँ। एक हेमा, रुक रुक जा। अरे राम राम। हो गया पैसों का इंतजाम? नहीं धूमी, सेवाराम के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, तुमने ठीक कहा था, अब दुगनी मेहनत करके कर्जा उतारेंगे और फिर कभी जरूरत पड़ गई तो बैंक से ही पैसा लेंगे, लेकिन सेवाराम के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, तुमने ठीक कहा था, अब दुगनी मेहनत करके कर्जा उतारेंगे, बैंक से ही कर्जा लूंगा पर मैं खुद पढ़ूंगा, एक एक कागज 4 बार पढ़ूंगा, समझ में नहीं आया तो मास्टर जी से पूछूंगा, पर अब अंगूठा देकर हाथ नहीं कटवाऊंगा। ये क्या लिख रहा है केमा? पढ़ पढ़, ठीक से तू भी पढ़, पढ़ना नहीं आता है तो पढ़ना सीख, पढ़ना मुझसे पूछ। लिखा है अंगूठा देकर हाथ मत कटवाओ, सरकारी कागजातों से मत घबराओ।
चल अब काम पर चलते हैं। चल। क्यों मजीरे, आई बात तेरी समझ में? ओ मजीरे, अब चुप क्यों है? कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या सांप सूं गया है तुझे? पक्का जी, जो खेमा के साथ हुआ ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है, क्योंकि खेमा बिल्कुल मेरी तरह सोचता था। अब तो तुझे पता चला कि अंगूठा लगाया तो बच निकलेगा और दस्तखत किया तो फंसेगा। देख, ये बिल्कुल गलत सोच है। बिल्कुल गलत सोच है। जिम्मेदारी से भागने के बजाय उसका सामना करो। कहीं पर भी दस्तखत करने से पहले दो बार सोचो और पढ़ो, उसे समझो, नहीं तो किसी की मदद ले लो। बिना सोचे समझे अंगूठा लगाने से मुश्किलें और बढ़ेंगी। पक्का जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अच्छा है मैंने बिना पढ़े खेमा की तरह कहीं अंगूठा नहीं लगाया। और लगाना भी मत। आज ही प्रौढ़ शिक्षा के क्लास में फिर से जाना शुरू कर, अधूरी पढ़ाई को पूरी कर और सर ऊंचा रखकर जिम्मेदारियों का सामना करना सीख। पक्का जी, मैं चलता हूँ। आपकी कही बात पर मैं आज ही से अमल करूंगा। राम राम। अब तो मेरे जाने का भी वक्त हो गया, फिर मिलेंगे। तो भाइयों, राम राम, खुदा हाफिज, गुड बाय। ज्ञान बिना नर पशु समाना, कह गए तुलसी संत सुजाना। कक्का जी ने मरम ये जाना, काम बनाए अक्षर ज्ञान। Yeah.